एक वक्त दक्षिण अफ्रीका ने 24 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद मार्करम और मिलर ने 76 रन की साझेदारी निभाई और मैच पलट दिया। मार्करम के आउट होने के बाद मिलर ने दक्षिण अफ्रीका को जिताकर ही दम लिया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड के ग्रुप के 2 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज करते हुए भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 133 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 40 गेंदों में 68 रन की बेहतरीन पारी के लिए, वहीं दक्षिण अफ्रीका की ओर से लुंगी एंगडी ने 4 विकेट लिए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 19.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच में भारतीय फील्ड से निराश किए रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने आउट के कई मौके गंवा दिए। मार्करम को कई जीवन दान मिले, इसी का फायदा उठाकर उन्होंने 41 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली। वहीं डेविड मिलर ने 46 गेंदों पर 59 रन बनाए। नाबाद रहे मार्करम ने अपनी पारी में 6 चौके और 1 छक्का लगाए। वहीं मिलर ने 4 चौके और 3 छक्के लगाए।